हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन कनेक्शंस। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, दैट इज वैदिक मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक मैथ्स क्या होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, वैदिक मैथ्स मतलब हमने हमारे वेदों से ही इस कंसेप्ट को लिया है। वैदिक मैथ्स अथर्ववेद में से निकला था। वैदिक मैथ्स को डिस्कवर जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्था जी ने 1911 टू 1918 के बीच में किया था। वैदिक मैथ्स 16 सूत्रास एंड 13 उप सूत्रास को मिलाकर बना है, मतलब इसमें 16 फॉर्मूलास एंड 13 सब फॉर्मूलास हैं। अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैदिक मैथ्स आता है। अब वैदिक मैथ्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वैदिक मैथ्स से हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है, हमारी स्पीड बढ़ती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इट एनहेंसेस लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस एज वेल। इससे हमारा जो बर्डन होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स का बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस वैदिक मैथ की हेल्प से कुछ सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। उनके अंदर एक्यूरेसी आती है, ज्यादातर क्वेश्चंस उनके करेक्ट होते हैं। एंड वैदिक मैथ्स हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चंस वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स यूज करके या उसके फॉर्मूलास को यूज करके बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। वैदिक मैथ से हमारे अंदर पेशेंस आते हैं और इससे हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इंक्रीज होती है। वैदिक मैथ से हमारे एनवायरमेंट को भी बेनिफिट मिलता है। अब आप सोचोगे कि वो कैसे होता है, राइट? तो देखिए, वैदिक मैथ्स जब हम स्पीड में करने लग जाते हैं तो हम उन कैलकुलेशंस को अपने माइंड में कर सकते हैं। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे तो हमें नोटबुक की जरूरत नहीं होगी, राइट? अगर हमें नोटबुक की जरूरत नहीं होगी तो उससे हमारे ट्रीज सेव होंगे और इसके थ्रू हम अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। तो वैदिक मैथ्स हमारे एनवायरमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल है। वैदिक मैथ्स हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम सूत्र यूज करते हैं वो सारे सूत्र संस्कृत में होते हैं, एंड संस्कृत इज हेल्पफुल इन ब्रेन डेवलपमेंट। संस्कृत से हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, तो इस वजह से वैदिक मैथ्स के थ्रू हमारा ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। आगे वैदिक मैथ्स सीखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।